गुदा को स्वस्थ कैसे रखें? अगर आप गुदा को अस्वस्थ रखते हैं तो काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती है, वहाँ पे खुजली आने लगती है। जिन पेशेंट को ज़्यादा पसीना आता है और प्रॉपर हाइजीन अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम पेरी एनुअल डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके गुदा को स्वस्थ रखें, आप गर्म पानी का सिकाई लें, जिससे आपका जो मलमार्ग स्वच्छ और साफ सुथरा रहेगा। अगर आप प्रॉपर हाइजीन अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो खुजली आती है, वहाँ पे पेरी एनुअल डर्मेटाइटिस जिसे फंगल इन्फेक्शन कहता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको सूती कपड़ा पहनना है, जिसे हम कॉटन का कपड़ा भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपको कब्ज है यानी कॉन्स्टिपेशन है तो काफ़ी सारे शिकायत आपको हो जाती है, जिसमें फिशर बन सकता है। जब भी मौसम को कड़क होता है तो कड़क मल यानी सख्त मल हमारे मल मार्ग से निकलता है तो अंदर घाव बनता है, जिसे हम फिशर कहते हैं, जिसे हम चिरा कहते हैं। अभी जब भी वहाँ से मल गुजरेगा तो वो जो मल है सख्त मल वो घाव को घिसकर लगता है और पेशेंट को काफ़ी सारी जलन होती है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर मोशन के बाद जो जलन चालू होती है तो 4 घंटा रहती है, 6 घंटा रहती है, शाम तक रहती है, तो शाम के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, तो जिसे कहते हैं फिशर। बाद में दूसरी बीमारी जिसे हम बवासीर कहते हैं, इसमें बवासीर के मस्से बनते हैं। पेशेंट बोलता है कि सर मुझे हाथ को मस्से महसूस होते हैं। कभी कभी पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर जब भी मैं मोशन के लिए बैठता हूँ तो अंदर से मांसल भाग बाहर आता है, जिसे हम इंटरनल पाइल्स भी कहते हैं। और तीसरा रहता है भगंदर। अगर आप गुदा को अगर अस्वच्छ रखते हैं, प्रॉपर हाइजीन अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के कारण भगंदर भी बन जाता है, जिसे हम फिस्टुला इन एनो कहते हैं। यानी क्या कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे पस मवाद हो जाता है, फोड़ा फूटता है। हमारे मल मार्ग के बाजू में एक फोड़ा फूटता है, फोड़ा बनता है, उसमें सूजन आती है और वो फूट कर उसमें से पीप यानी मवाद निकलता है। तो इसलिए मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ गुदा को स्वच्छ रखना है। अगर आपको बार बार कब्ज है तो कब्ज होने के कारण क्या होता है कि पेशेंट को जब भी सुबह सुबह मोशन के टाइम काफ़ी सारा जोर लगाना पड़ता है और जोर लगाने की वजह से वहाँ पे इंटरनल पाइल्स यानी जो ब्लड वेसल्स है उसमें सूजन उत्पन्न होती है और बवासीर के मस्से बनते हैं। और इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमारा पेट सफा नहीं हुआ है, तो पेशेंट को दिन में 3 से 4 बार जाना पड़ता है, तब भी पेशेंट को डिसकम्फर्ट बना रहता है। तो इसमें अगर आपको बार बार अगर कब्ज बनता है तो आप इसबगोल को ले सकते हैं, इसबगोल की भूसे आप ले सकते हैं या एरंडी का तेल आप ले सकते हैं, जिससे आपका मोशन पूरा सफा हो जाएगा। मैं मेरे यूट्यूब के वीडियोस में काफ़ी सारे मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसमें भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो जिसमें आप सुरन खा सकते हैं, सुरन की सब्जी हफ्ते में आप 1 या 2 बार खा सकते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि जिनको बवासीर के मस्से है या भगंदर है या फिशर है यानी जिनको मलद्वार की बीमारी है, उनको हमेशा पेट का बीमारी होता है यानी गैसेस बनते हैं, कुछ भी खाते हैं तो पेट फुला हुआ रहता है। तो उसके लिए आप खाने में ताक यानी छाछ जिसे हम बोलते हैं बटर मिल्क, तो बटर मिल्क जो है आपका डाइजेशन अच्छा करेगा, आपका जो पाचन शक्ति अच्छा करेगा। आपको अगर बार बार मोशन के लिए कड़क हो रहा है तो आपको पानी ज़्यादा पीना है, कम से कम दिन में आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है, जिससे कब्ज नहीं होवे। बाद में सिड्स बाद यानी गर्म पानी का सिकाई। ऐसा भी होता है कि पेशेंट को मोशन के बाद में दर्द होता है, जलन होता है, पेशेंट डिसकम्फर्ट फील करता है, पेशेंट को मल पास करने में कठिनाई होती है, तो आप गर्म पानी का सिकाई लेना है। तो गर्म पानी का सिकाई अगर सुबह 20 मिनट्स और शाम को 20 मिनट्स अगर करते हैं यानी गर्म पानी का सिकाई करते हैं तो आपको पेन कम हो जाएगा और वो जो है पूरा क्लीननेस यानी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रहेगा। मेरा यूट्यूब के ऊपर गर्म पानी का जो सिकाई करने का तरीका एक स्पेशल वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग निरंतर ड्राइविंग करते हैं, जो ड्राइवर्स है ओला ड्राइवर, उबेर ड्राइवर, टैक्सी, बस कंडक्टर, बस ड्राइवर, तो बस ड्राइवर जो है ज़्यादा ड्राइविंग करने की वजह से ये भी बवासीर के मस्से बनते हैं और पाइल्स की शिकायत आती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कब्ज है, आपको कभी भी मोशन के टाइम जोर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप जोर लगाते हैं तो वहाँ पे रहने वाले जो ब्लड वेसल्स वो फूलती है, उसमें सूजन हो जाता है, जिससे बवासीर बनता है। आपको इसके लिए आपको फाइबर ज़्यादा लेना है, फाइबर्स के ऊपर भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। आपको फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, कड़क नहीं होना चाहिए, अगर सख्त मल होता है तो फिशर बनेगा।
अगर बार बार आपको सख्तमल हो रहा है तो आपको गाय का घी और गाय का दूध इसका सेवन ज़्यादातर करना है। यानी अगर आपको डेली अगर कड़क होता है तो आपको रात को सोते समय एक गिलास गर्म दूध में आपको 4 चम्मच गाय का घी लेना है, जिससे गाय का घी पहली बात तो पाचन अच्छा करेगा, पाचन शक्ति बढ़ाएगा, और दूसरा एज अ लैक्सेटिव काम करेगा। यानी अगर आप डेली अगर 15 दिन 20 दिन अगर रात को अगर लेते हैं गाय का घी और गाय का दूध, तो सुबह आने वाला जो मल है वो थोड़ा नरम आएगा, यानी कड़क नहीं होगा। बाद में आपको व्यायाम करना है, प्रॉपर योगा करना है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि पेट का पाचन शक्ति पूरा बिगड़ जाता है, तो आप पेट के ऊपर अगर योगा करते हैं तो काफ़ी सारे आपको इसका फायदा होगा। तो अगर आपको बवासीर के मसले है, बवासीर है, भगंदर है, तो योगा क्या करना है इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियोस मैंने इसके ऊपर अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारा नियमों का पालन करने के बाद भी आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। यानी क्या कि मोशन के बाद में दर्द होता है, जलन होता है, गैसेस बनते हैं, पेट सपा नहीं होता है, दर्द होता है, तो इसका एक मैं दवा आपको बोलता हूँ, एक काढ़ा बोलता हूँ जो कि आयुर्वेदिक काढ़ा है, जिसे हम कहते हैं अभयारिष्ट। अभयारिष्ट काफ़ी सारा अच्छा एक काढ़ा है, वो आप ले सकते हैं, सुबह 15 ml ले सकते हैं, शाम को 15 ml ले सकते हैं, हर एक मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है, आयुर्वेदिक मेडिकल में अवेलेबल है, वो आप 10 दिन या 15 दिन तक ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको गुदा संबंधी कोई भी तकलीफ है, यानी मोशन के बाद में कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, पिचकर जैसा धार लग रहा है, या दर्द है, जलन है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9820703498 नंबर पे। और अगर आपको मुझे कंसल्ट करना है तो आप मुंबई दादर में आ सकते हैं, दादर में हमारा हॉस्पिटल है। आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टिंग भी कर सकते हैं, तो मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।